महासमुंद जिले के लोगों को आपातकाल में सहायता प्रदान करने वाली डायल 112 वाहन बुधवार को खुद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस्ता थाना क्षेत्र के भवरपुर मोड़ के पास बिहारी ढाबा के सामने डायल 112 वाहन मोटरसाइकिल चालक को बचाने के चक्कर में ट्रक से टकरा गई, जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईओडब्ल्यू और एसीबी रायपुर की टीम ने पेंशन और जीपीएफ निकालने के एवज में कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ में पदस्थ सरिता त्रिपाठी सहायक ग्रेड 1 व उमा शंकर गुप्ता सहायक ग्रेड 2 को रिश्वत की द्वितीय किस्त के रूप में 40,000 रूपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सुपेला थाना पुलिस ने नगर निगम द्वारा निर्मित पीएम आवास दिलाने के नाम पर सेक्टर 7 निवासी सुषमा महतवार व अन्य लोगों को अपने आप को निगम का बड़ा अधिकारी बताकर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी मकसूद खान व उसकी सहयोगी रेशमा खातून और श्यामी श्रीवास्तव को धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले के हरदी बाजार सराई सिंगार मार्ग में तेज गति से जा रहे एक ट्रेलर की चपेट में आने से ग्राम पंचायत आमगांव के सरपंच ब्रिज कुमार बाल बाल बच गई। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। ग्रामीणों का कहना था मार्ग में भारी वाहनों की गति पर अंकुश लगाने सहित मार्ग में भारी वाहनों को खड़ी करने पर रोक लगाई जाए। जांजगीर जिले की नैला चौकी पुलिस ने कन्हाई बंद में नव विवाहिता को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले माँ बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पति बलराम बरेट शराब पीकर एवं सास सुनाबाई दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहती हो यह कहकर प्रताड़ित करता है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिला अस्पताल में 100 वाहन व 100 को ढकने कपड़ा नहीं मिलने से 100 को जमीन में बिछाने वाली चटाई उड़ाकर परिजन 1500 रुपए में किराए के ऑटो पर उसके 100 को लेकर पोस्टमार्टम कराने गए तो वहां पीएम तक 100 को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं था। पेंड्रा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दंतेवाड़ा जिले में मादा बाघ का शिकार करने और उसके खाल की तस्करी के मामले में 5 पुलिस कर्मियों एएसआई संतोष बघेले और रमेश आंगनपल्ली प्रधान आरक्षक अरुण मोडियम आरक्षक बाबूलाल मज्जी और सहायक आरक्षक पवन कुमार नक्का की सेवा समाप्त कर दी गई है। दरअसल वन विभाग और बस्तर पुलिस ने मार्च 2021 में संयुक्त ऑपरेशन चलाकर वन्य जीव तस्करों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ कर पुलिस कर्मियों सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। वैशाली नगर थाना पुलिस ने मूकबधिर भतीजे के साथ पिछले 2 वर्षों से लगातार दुष्कर्म करने वाले चाचा मोहम्मद असलम खान को युवती के परिजनों की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है। सूरजपुर जिले की चेंद्रा चौकी पुलिस ने ग्राम बिरनी डांड में किराना व इलेक्ट्रॉनिक दुकान से एसोसीरीज व किराना सामग्री चोरी करने वाले आरोपी अशोक बंजारे वीरेंद्र उर्फ कन्हैया एवं एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़कर चोरी किया गया मसूका बरामद कर लिया गया है।